हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और भाई आज अपने पास है टाटा की एल्ट्रॉस। अगर हम इसकी बात करें तो ये कौन सा मॉडल है मैं पहले आपको बता देता हूँ। एक्चुअल में टाटा एल्ट्रॉस एक्स जेड प्लस एस लक्स सीएनजी मॉडल है। मतलब इतना लंबा नाम है ना भाई गाड़ी में, मतलब आप लोग देख सकते हो कि कितना लंबा नाम रखा हुआ है। और आज भाई थोड़ा स्पेस कम था तो मैं मतलब गाड़ी जैसे तैसे करके लगाई हुई है, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा अपने को। प्रॉपर स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के बारे में है ये वीडियो। जैसे कि चाबी के बारे में अभी आपको पहले बताया था। चाबी में हमें लॉक मिल जाता है, एक लॉक का बटन और एक अनलॉक, और दूसरा हमें मिल जाता है डिग्गी वगैरह बूट ओपन करने का, और ये लाइट का बटन। अगर हम लाइट की बात करें, ये जो लाइट बटन है, तो रात में अगर आपकी गाड़ी कहीं मिलती नहीं है आपको, तो आप ये जला के और बंद करके मतलब ऐसे ढूंढ सकते हो गाड़ी। सेकंड, हम लॉक अनलॉक करेंगे तो हमारे ORVM भी जो हैं फोल्ड अनफोल्ड होंगे। अभी मैंने सेट किया है, अगर आप ये सेट करके रखोगे जब होगा, अदरवाइज होगा नहीं वैसे। और इसमें भाई क्रूज मोड भी आता है और 360 कैमरा भी है इसमें। मतलब इतनी छोटी सी गाड़ी है और इसमें 360 कैमरा मिलना बहुत बढ़िया बात है इस टाइम पर अगर हम बात करें तो। तो एक बार इस साइड आए थे यार, गाड़ी ना निकल जाएगी। मतलब इतनी छोटी गाड़ी है साइज़ में देखें तो, और मतलब साइज़ में ही बात करेंगे क्योंकि ये देखो ये इतना बड़ा साइज़ है। इसमें भी 1.2 लीटर है बट वो रिवेट्रॉन इंजन आता है इसमें। सो ये और नेक्सॉन में भी 1.2 लीटर का इंजन है। तो मतलब पावर देख रहे हो कैसे इनहेंस हो रही है। और सबसे बढ़िया बात, ये गाड़ी हमारी CNG में, ICNG की बैजिंग दिख रही होगी आपको। और ये टॉप मॉडल है जैसे कि मैंने आपको बताया, और इसमें 1.2 लीटर का इंजन आता है जो कि टर्बो चार्जर के साथ नहीं है। और बाकी अब स्टार्ट करते हैं यार प्राइजिंग से। प्राइजिंग वगैरह की बात करो तो भाई ये एक्स शोरूम प्राइस है 10,50,000 के आसपास हमें एक्स शोरूम प्राइस मिलता है। और बाकी RTO की बात करें तो उसमें मतलब दिल्ली के अंदर तो मतलब 1-1.5 लाख रुपये लग जाता है। बाकी आपका जो मतलब आप अगर राजस्थान रह रहे हैं, हरियाणा रह रहे हैं, तो वहाँ का हर जगह का अलग अलग हिसाब किताब है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें 1.2 लीटर का इंजन मिल जाता है हमें ICNG वाला। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो 1200 cc के करीब हमारी गाड़ी है। मैक्सिमम पावर जनरेट जो करती है ये 72 BHP करती है, और मैक्सिमम टॉर्क 103 Nm का टॉर्क जो है हमें इस गाड़ी में मिल जाता है, वो भी 3500 RPM के साथ। नंबर ऑफ सिलेंडर की बात करेंगे तो वो 3 मिल जाते हैं। वॉल्व पर सिलेंडर बात करें तो वो 4 मिल जाते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि टर्बो चार्जर नहीं मिलता इसमें, तो वही है कि टर्बो चार्जर नहीं मिलता। ट्रांसमिशन टाइप वही मैनुअल है, 5-speed गेयरबॉक्स है और फ्रंट व्हील ड्राइव है। और अगर हम फ्यूल एंड परफॉर्मेंस की बात करें तो ये फ्यूल टाइप तो आपको पता ही होगा CNG प्लस पेट्रोल। तो वही CNG की माइलेज अगर हम क्लेम करें तो वो कहीं ना कहीं अराउंड 26 के आसपास पर kg हमें मिल जाती है CNG। और जो CNG के फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 60 लीटर के करीब है। और जो सेकेंडरी फ्यूल टाइप है जैसे कि हम बोले पेट्रोल फ्यूल टैंक, तो वो मिल जाता है हमें 37 लीटर का। और BS6 2.0 वही कंप्लायंसेज, अगर हम एमिशन नॉर्म कंप्लायंसेज की बात करें तो वो मिल जाता है हमें इसमें। और चलिए अब आगे चलते हैं और मैं बताता हूँ आपके इसके डायमेंशन एंड कैपेसिटी। और डायमेंशन एंड कैपेसिटी में अगर हम बात करें लेंथ की, तो 3990 mm की हमें लेंथ मिल जाती है। और विड्थ की बात करेंगे तो 1755 mm की है। और अगर हाइट हम देखें तो 1523 mm है। बूट का जो स्पेस है मतलब बहुत डिसेंट, मतलब बहुत वाव नहीं है, बट अगर ये CNG है उस मुकाबले जो ये टाटा ने जो मतलब एक स्टेप लिया है ये वाला जो यहाँ पे सिलेंडर इन्होंने छुपाया है उसके अकॉर्डिंग, भाई CNG की कार में इतना स्पेस भी मिलना बहुत बड़ी बात है। मतलब 210 लीटर का हमें स्पेस मिल जाता है इसमें। सिटिंग कैपेसिटी आप लोगों को पता ही है कि 5 की है। और ग्राउंड क्लियरेंस की हम बात करें तो बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब आज की डेट में इतनी गाड़ियां भी मतलब 170 mm दे रही हैं, बट इसमें 165 mm ही हमें ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। और अगर हम बात करें व्हील बेस साइज की तो 2501 mm का हमें व्हील बेस साइज मिल जाता है। और नंबर ऑफ डोर हमें मिलेंगे इसमें 5। तो अब हम आगे चलते हैं, कम्फर्ट एंड कन्वीनियंस की बात कर लेते हैं थोड़ी। तो अगर हम बात करें स्टेयरिंग और ब्रेकिंग की, स्टेयरिंग हमें इसमें इलेक्ट्रिक टाइप मिल जाता है, और टर्निंग रेडियस जो है इसका 5 है। एंड अगर हम बात करें ब्रेकिंग की, तो ब्रेकिंग फ्रंट ब्रेक की बात करें तो उसमें हमें डिस्क मिल जाते हैं। और अगर हम रियर ब्रेक की बात करें तो उसमें हमें ड्रम्स ब्रेक मिलते हैं। एंड एलॉय साइज़ की बात कर लेते हैं, एलॉय साइज़ इसमें मिल जाता है हमें 16 inches, जो कि काफ़ी मतलब सही है इस गाड़ी में, मतलब इस सेगमेंट की गाड़ी में जो हैचबैक है, मतलब ये छोटी गाड़ियाँ होती हैं, तो इसमें मैंने 13 inch का देखा है, बट इसका एलॉय साइज़ 16 inches मिलता है भाई, काफ़ी बढ़िया है मतलब साइज़ ना। अभी क्या हुआ कि मतलब ये जैसे गाड़ी आ गई तो मेरे को कार हटानी पड़ी, तो अभी एक काम करते हैं हम गाड़ी के अंदर बैठ के मैं आपसे आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको चीज़ें दिखती रहेंगी बट ये है कि मैं डिस्टर्ब नहीं हूँगा। मैं 3-4 बार डिस्टर्ब हो चुका हूँ ऐसे, मतलब बार बार गाड़ी आ गई हैं, तो इससे पहले कि और कोई गाड़ी डिस्टर्ब करे मैं वापस गाड़ी लगाऊँ, तो एक काम करते हैं हम अंदर बैठते हैं आराम से और फिर हम गाड़ी के बारे में थोड़ी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं।
और हाँ, हम कहाँ पे थे, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस पे थे, जैसे कि हमें पावर स्टेयरिंग मिल जाता है, हमें एयर कंडीशनर मिल जाता है, हीटर मिल जाता है, एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाती है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, एयर क्वालिटी कंट्रोल नहीं मिलता, एसेसरी पावर आउटलेट मिल जाता है, रीडिंग लैम्प मिल जाता है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है, रियर सीट सेंटर आर्म रेस्ट मिल जाता है, भाई क्योंकि टॉप मॉडल है मतलब उसमें ये देना तो मैंडेटरी है, होना चाहिए, और काफी कंफर्टेबल हो जाते हैं मतलब अगर हम हैंड रेस्ट का मतलब यूज करते हैं तो। और मेरे को तो ऐसी आदत हो गई है कि मतलब मेरे को तो चाहिए भाई गाड़ी में, और आप अपना कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कैसा लगता है। और रियर एसी वेंट मिल जाते हैं, एडजस्टेबल फ्रंट सीट बेल्ट्स मिल जाती हैं, क्रूज कंट्रोल मिलता है, भाई ये जो टॉप मॉडल है इसमें क्रूज कंट्रोल भी आता है सीएनजी के साथ। पार्किंग सेंसर की बात कर ले, पार्किंग सेंसर रियर में मिल जाते हैं, रियल टाइम व्हीकल ट्रैकिंग हमें नहीं मिलती, और कीलेस एंट्री जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था आपको वो मिल जाती है, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, कूल्ड ग्लोव बॉक्स है, वॉइस कमांड नहीं मिलती हमें, और काफी सारी चीजें मतलब लाइक अभी मैं बता देता हूँ, जैसे कि जो नहीं मिलती आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं मिलता, और भी फीचर्स हैं मतलब वो हमारे को मतलब इस सेगमेंट में हमें बोलना सही नहीं रहेगा। एक होता है कि आपने 10 लाख रुपए खर्चे तो आपको ये चीजें मिल रही हैं तो बहुत एनफ है, मतलब वो वाले हिसाब बोल रहा हूँ मैं। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स भी हैं। और अब हम बात कर रहे हैं एडिशनल फीचर की, तो इलेक्ट्रिक टेम्परेचर कंट्रोल है, 1.5 लीटर का कूल्ड ग्लोव बॉक्स है, एक्सप्रेस कूल मतलब बहुत जल्दी आपकी गाड़ी को ठंडा कर दिया जाएगा, तो वो फीचर एक आता है, वॉइस असिस्टेड सनरूफ है, तो मतलब बहुत सही है, मतलब सनरूफ का ये वाला फीचर ये काफ़ी सारी गाड़ियों में दे रहे हैं। और अगर हम पावर विंडो की बात करें तो वो चारों में हमें मिल जाते हैं पावर विंडोज फ्रंट एंड रियर। अगर हम इंटीरियर की बात करें ना भाई, इंटीरियर का बहुत प्यारा है, डुअल टोन में इंटीरियर आता है इसका, और अभी जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सुंदर प्रीमियम बनाया हुआ है इंटीरियर में पता नहीं चलता, और ये फ्लैट बॉटम जो इन्होंने हल्का सा स्टेयरिंग पे दे रखा है काफी अच्छा लग रहा है। तो अब हम बात करते हैं इंटीरियर में, टैकोमीटर मिल जाता है, लेदर स्ट्रैप स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है, ग्लोव बॉक्स मिल जाता है, डिजिटल क्लस्टर मिल जाता है, डिजिटल जो क्लस्टर हमें मिलता है उसका जो साइज है 7 इंचेस है। और अब हम बात कर लेते हैं एक्सटीरियर की, लाइक एक्सटीरियर में हमें मिल जाता है एडजस्टेबल हेडलैम्प्स और रेन सेंसिंग वाइपर, रियर विंडो वाइपर, रियर विंडो वॉशर भी मिल जाता है हमें, रियर विंडो डिफॉगर है, व्हील कवर्स की बात करें तो नहीं मिलते हमें, अलॉय व्हील्स है, रियर स्पॉइलर है, आउटसाइड रियर व्यू मिरर इंडिकेटर है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है, हेलोजन हेडलैम्प्स नहीं मिलती इसमें, और फॉग लाइट्स की बात करें तो फ्रंट पे है, और सनरूफ की बात करें तो हमें सनरूफ मिल जाता है। अगर हम टायर साइज की बात करें तो 185/60 का हमें R15 का टायर साइज मिल जाता है, और जैसा कि अगर हम बात करें टायर टाइप की तो रेडियल ट्यूबलेस टायर मिल जाता है हमें, LED DRLs मिल जाती है, हेडलैम्प्स हैं, LED टेल लाइट्स हैं। बात करें अगर रूफ की तो ब्लैक रूफ मिलती है हमें इसमें, जिसे हम बोलते हैं डुअल टोन। और अब हम बात कर लेते हैं जो मेन टाटा जिसके लिए जाना जाता है भाई, वो है सेफ्टी। अब सेफ्टी फीचर्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि इसमें हमें मिल जाती है एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम, ABS जिसे हम बोलते हैं, सेंट्रल लॉकिंग मिल जाती है, नंबर ऑफ एयरबैग की बात करें तो वही 6 मिलते हैं, और ड्राइवर एयरबैग मिलता है, पैसेंजर एयरबैग मिलता है, साइड एयरबैग मिलता है, बट साइड एयरबैग रियर में नहीं मिलता, जैसे कि मोस्ट ऑफ द कार में हमने जो रिव्यू किए हैं इनकी टाटा की में नहीं मिलते। और कर्टन एयरबैग मिल जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन EBD मिलता है, सीट बेल्ट वार्निंग, डोर अजार वार्निंग, इंजन इमोबिलाइजर। भाई इंजन इमोबिलाइजर का मतलब काफी सारे लोगों को समझ नहीं आता कि क्या है, मतलब ये लाइट जो फ्लिकर करती है, मतलब एक अगर आप बंद करेंगे, जैसे कि मान लो मैं गाड़ी बंद कर रहा हूँ, मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे मान लिया अभी गाड़ी स्टार्ट थी और मैं बंद कर देता हूँ, तो एक वार्निंग आती है इंजन गाड़ी का एक लॉक के साथ साइन। तो ये क्या होता है कि जब हम चाबी लगाते हैं तो हमारी चाबी के अंदर एक सेंसर होता है, या फिर हम उसे कुछ कह सकते हैं कि एक चिप होती है, जिससे कि वो कनेक्ट होकर इंजन लॉक खुलता है, इंजन का लॉक खुलता है, तो इंजन इमोबिलाइजर वहां पे हेल्प करता है। इंजन स्टार्ट नहीं होता अगर आप कोई दूसरी चाबी से ट्राई करोगे बिना चिपके, तो वो इंजन स्टार्ट नहीं होगा, तो इंजन इमोबिलाइजर का ये काम होता है। और अब हम बात करेंगे अब आगे की, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मिल जाता है, रियर कैमरा विद गाइडलाइंस मिल जाता है, स्पीड अलर्ट मिल जाता है, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक मिल जाता है, ISO फिक्स चाइल्ड सीट माउंट मिल जाता है। और अगर हम बात करें ड्राइवर एंड पैसेंजर की, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर लॉक अनलॉक मिल जाता है, 360 व्यू कैमरा मतलब इसमें मिल रहा है, तो वो यार बहुत ही बढ़िया बात है। और अगर हम बात करें ग्लोबल एंड कैप सेफ्टी रेटिंग की, तो भाई उसमें टाटा मतलब बहुत आगे निकल गया है पहले के मुकाबले, और इंडियन ब्रांड जो भी आज की डेट में हैं उनके मुकाबले बहुत आगे निकल गया है, वो भी 5-स्टार रेटिंग के साथ ही गाड़ी आती है हमारी। तो गाइज आपको ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ी सी फैन की नॉइस आए, क्योंकि मैंने गाड़ी स्टार्ट की है, काफी मतलब गर्मी हो रही है, तो इसीलिए भाई मैं नहीं रह सकता बिना AC वगैरह के अभी फिलहाल। तो अब हम बात कर रहे थे एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन की, अगर हम बात करें रेडियो की तो हमें इसमें मिल जाता है, वायरलेस फोन चार्जिंग मिल जाती है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, टच स्क्रीन मिल जाती है, टच स्क्रीन का वही साइज
है, मतलब 10.25 इंचेस, जो कि हमें कर्व और टाटा की नेक्सॉन में भी मिल जाता है, और एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले हमें दोनों मिल जाते हैं। नंबर ऑफ स्पीकर की बात करें तो 4 मिलते हैं फ्रंट एंड रियर दोनों साइड में। और अब हम थोड़े से बात कर लेते हैं एडास फीचर की, जो मतलब है वो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है, बस एक ही इसमें एडास का फीचर है। और अगर हम बात करें एडवांस इंटरनेट फीचर की, तो हमें ना लाइव लोकेशन मिलती है, ना रिमोट इमोबिलाइजर मिलता है, ना SOS बटन मिलता है, ना RSM मिलता है, ना वैलेट मोड मिलता है। मतलब इसमें एडवांस इंटरनेट फीचर का कुछ भी, कोई भी एक भी फीचर नहीं है। सो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी प्रैक्टिकल होके कि मतलब मेरे को क्या पसंद आया। तो अभी हम वापस से शुरू करते हैं की से, और जो मेरे को पसंद आया वो भी मैं बताऊंगा, और जो मेरे को पसंद नहीं आया मैं वो भी बताऊंगा, मतलब प्रो एंड कॉन्स अगर हम बात करें तो वो सब बताएंगे। तो आइए अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ मेरा क्या हिसाब किताब, मेरे को कैसा लगा इसका। भाई जैसे कि मैंने बोला कि पहले की से स्टार्ट करते हैं, की में मतलब मैंने आपको बता दिया क्या क्या मिल जाता है। अब हम सीधा गाड़ी के अंदर चलते हैं, ठीक है, देन स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं थोड़ा। सबसे बढ़िया पॉइंट मेरे को ये लगा कि इसमें कीलेस एंट्री मिल जाती है, अगर आप बटन दबाओगे तो आपको लॉक हो गई है अब इस टाइम गाड़ी, ठीक है, भले ही मेरे हाथ में की है। और कई बारी गाड़ियों में नहीं आते वाले फीचर, सिर्फ खुलने का आता है, लॉक होने का नहीं आता। अब अगर हम प्रेस करेंगे इसी को, यहाँ से सारे डोर्स लॉक अनलॉक यहीं से होंगे। तो अब जैसे हम पीछे जा रहे हैं, ये खुल गया हमारा, ठीक है। और अगर हम बात करें अब अंदर की, तो मेरे को क्या क्या पसंद आया अब मैं आप लोगों को वो बता रहा हूँ, और देन फिर मैं बताऊँगा कि मेरे को क्या पसंद नहीं आया। वैसे तो मैं सच बताऊँ ना, टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, मेरे को एक भी चीज़ ऐसी नहीं लगी कि इस गाड़ी में ही ख़राब है। अब अगर हम बात करें ना भाई, देखो सबसे पहला पॉइंट मेरे को क्या लगा बढ़िया, एक तो ये CNG, ठीक है, इसमें ऊपर से क्रूज़ मोड आ जाता है। फिर अगर हम बात करें, यहाँ से 360 का कैमरा का ऑप्शन नहीं दिया हुआ इस बार, मतलब जैसे कर और उसमें था कि यहाँ था, एल्ट्रॉज में दिया हुआ है यहाँ, ये दिख रहा है, यहीं से CNG भी स्विच होगी, यहाँ से लॉक अनलॉक। और हाँ, ORVM की अगर मैं बात करूँ, तो अभी मैं कन्फ्यूज हो गया था कि जब बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही थी, मेरे को ORVM खोलने थे तो खुल नहीं रहे थे, तो मैं समझ रहा यार पता नहीं कैसे होगा। तो एकदम से ऐसे करके होता है, ऐसे होल्ड लॉक अनलॉक। ये पीछे की साइड अगर हम इसे देखो, ये ना जैसे अगर हम पीछे की साइड रोक के रखेंगे तब होएगा, सिंगल क्लिक करोगे, जैसे अगर मान लो सिंगल क्लिक करता हूँ तो नहीं होएगा। सिंगल क्लिक कितनी पे बार कर लो, गाड़ी बहुत स्मूथ है। क्लच वगैरह की बात करें, चला के देखी मैंने, गाड़ी बहुत सही है, गाड़ी में मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में। और अब सेकंड पॉइंट, हमें इतना बड़ा ग्लो बॉक्स मिल जाता है जो कि कूल्ड ग्लो बॉक्स है, मतलब यहाँ बहुत जल्दी से आप अगर कुछ भी रखते हो तो ठंडा हो जाएगा। बाकी ये पार्ट मेरे को समझ नहीं आया क्या था, तो कोई बात नहीं, हम उसे छेड़ते नहीं है, बाकी इसे लगा दिया। और ये जो इसका ये जो मेटलिक फिनिश है प्लास्टिक के ऊपर, ये काफ़ी प्यारी लग रही है। बाकी यार थोड़ा अंधेरा हो गया तो सनरूफ खोल लेते हैं। सनरूफ देखो मतलब ठीक है, गाड़ी के हिसाब से काफ़ी सही है, मतलब अगर देखा जाए तो मैं तो निकल सकता हूँ, इतना एक जना तो आराम से निकल सकता है। बाकी सनरूफ से निकलना नीचे अवॉइड करना चाहिए। और बाकी एडजस्टेबल हमें सीट, ड्राइवर सीट बेल्ट्स मिल जाती हैं अगर हम इसे पुल करें तो, ऐसे दिस फ्रंट की मिलती है, बैक की नहीं मिलती, ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं गाड़ी का ये जो हैंडरेस्ट है, मतलब गाड़ी ने बहुत कुछ दिया हुआ है। और यहाँ पे भाई वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, जो कि मेरा फ़ोन वायरलेस चार्जिंग नहीं करता, एक्सेप्ट ये बहुत पुराना फ़ोन हो गया। और 6 तो नहीं मिलते हमें इसमें, 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है, ठीक है, ओके है, क्योंकि CNG है, ICE में गाड़ी मिलती है। तो एक बार संदूक थोड़ा बंद कर ले, थोड़ा गंदा ना हो जाए गाड़ी। अब हम चल रहे हैं भाई बूट के लिए। तो बूट में ना मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी लगी। एक तो इसका शार्क फिन एंटीना से बहुत मतलब स्पोर्टी लुक बनाता है, ठीक है, जैसे गाड़ी बजने लगी, देखो कि भाई गाड़ी स्टार्ट है आपकी, अब वो ऐसी बजती रहेगी। अगर हम बात करें CNG, देखो यहाँ इन्होंने ऐसा किया है कि यहाँ पे सिलेंडर्स दे दिए, एक सिलेंडर यहाँ है, एक सिलेंडर इसके पीछे है जस्ट, और यहाँ पे स्पेस कवर करके यहाँ पे इन्होंने 200 लीटर का एक कहीं ना कहीं आपका एक छोटा लगेज बैग और एक बड़ा लगेज बैग आ जाएगा, मतलब ठीक ठाक मीडियम साइज़ के तो दो आ जाएंगे, और काफ़ी ठीक ठाक स्पेस है। और यहाँ पे भी छोटा मोटा कुछ रख लेते हैं, बट अवॉइड करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कुछ रखना नहीं चाहिए वैसे शीशे वगैरह की वजह से। बट ये 360 कैमरा है तो हम कुछ तो फ़ायदा उठा ही सकते हैं इसका। ये मिल जाता है हमें, डिफॉगर मिल जाता है इसका। हाँ, पिछली वीडियो में मतलब कर्व की वीडियो थी, आई थिंक नेक्सॉन की, मैं भूल गया, किसी ने कमेंट किया था कि भाई अगर इसके हज़ार्ड लैंप जला के देखना इंडिकेटर्स आपका ये जो हैं पार्किंग के तो कैसा काम करते हैं। वो भी भाई इस बार गाड़ी में देख लेते हैं, क्योंकि भाई अपने व्यूअर्स बोल रहे हैं। ये देखो गाड़ी से फिर मैं दूर आ गया और ये फिर बजने लगी। और ऐसा है भाई, इसमें कुछ ऐसे इंडिकेटर पैटर्न वाला तो कुछ नहीं बन रहा, क्योंकि पैटर्न वाले ऐसी लाइट्स ही नहीं है इसमें। और अगर मैं बात करूं यहाँ की, तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं लग रहा, सिंपल नॉर्मल जो है वही है। सनरूफ है, ऊपर से पूरा ब्लैक है, डुअल टोन में मिल जाता है हमें, काफ़ी सही लगता है देखने में, ठीक है। और अभी
अब हम गाड़ी को करते हैं ड्राइव और एक बार हम इसका ड्राइव इंप्रेशन देखते हैं। सच बताऊं तो मैंने गाड़ी ड्राइव कर ली है, मेरे को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से कि गाड़ी ड्राइव की जाए, और मैंने गाड़ी चला ली क्योंकि मेरे पास ही है बहुत देर से गाड़ी, और इतनी देर से मैं आगे पीछे हटा रहा हूँ, कभी लगा रहा हूँ। तो गाड़ी की क्लच वगैरह बहुत सॉफ्ट है और भाई एसी इसका एक नंबर है। एसी ने मतलब अभी इतनी गर्मी थी थोड़ी देर पहले, जस्ट दो मिनट में इसने बिल्कुल चिल्ड कर दिया और मैं ठंड के मारे मैं फिर गाड़ी का एसी बंद किया था। हाँ, ड्राइवर सीट की बात करें तो एडजस्टेबल ऑटोमेटिक नहीं है, ना कि कोई इलेक्ट्रिक है, तो हमें खुद ही मैनुअली एडजस्ट करनी पड़ेगी सारी चीज़ें यहाँ से। और यहाँ पर हमारे को चारों का ये लॉक करने का मिल जाता है, विंडोज़ का। सॉरी यार, थोड़ा ना ब्लर हो रही है वीडियो क्योंकि अब अंधेरा होता जा रहा है धीरे धीरे करके। ORVM का यहाँ पर सेटअप इसलिए इन्होंने नहीं दिया क्योंकि अगर हम बात करें तो आपको दिख रहा होगा यहाँ CNG लॉक अनलॉक और 360 और ये लाइट वगैरह का दे रखा है इन्होंने पहले से फॉग लैंप्स के लिए। तो अब हम बात कर लेते हैं मतलब मेरे को गाड़ी पर्सनली कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। एक काम करता हूँ, थोड़ा सनरूफ खोल लेता हूँ, काम आएगा, लाइटिंग अच्छी आएगी। तो भाई मैं पर्सनली गाड़ी बताऊँ, रिकमेंड करूँ किसी को लेने के लिए, तो आई डेफिनेटली गो विद दिस कार बिकॉज ऑफ इसके अंदर इतने सारे फीचर्स हैं ना भाई, इतनी सी गाड़ी में, मतलब इतनी छोटी गाड़ी है, CNG मिल जाती है, वो भी 60 लीटर का स्पेस मिलता है, मतलब सॉरी फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है CNG की, और 37 लीटर का आपको इसका पेट्रोल टैंक कैपेसिटी मिलती है। अगर कहीं दूर जाना है, जैसे मान लो कहीं पहाड़ों में भी जाना है ना, तो आप पेट्रोल पे भी थोड़ी बहुत चलानी पड़ती है गाड़ी, तो चला सकते हो, कोई इशू नहीं। और सबसे बढ़िया बात, इसका गाड़ी CNG पे भी स्टार्ट हो जाती है और पेट्रोल पे भी स्टार्ट हो जाती है, सबसे बढ़िया फंक्शन ये है गाड़ी का। अच्छी माइलेज भी देती है और क्लच वगैरह ब्रेक वगैरह परफॉर्मेंस की बात करूँ तो बहुत सही है। पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स मिल जाते हैं, आगे आपको फ्रंट में डिस्क मिल जाते हैं। इलेक्ट्रिक जो होता है वो देना चाहिए था इन्हें यहाँ पे, इसका मेरे को बस एक थोड़ा पॉइंट सही नहीं लगा। और बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमें लाइट वगैरह नहीं मिलती कुछ भी, अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमें लाइट नहीं मिलती, टिकट होल्डर वगैरह मिल जाता है हमें यहाँ पे इस साइड ड्राइवर की साइड। एक सेकंड, हाँ तो आपको अगर दिख रहा हो, ब्लर हो गया है, सॉरी यार उसके लिए कि मैं थोड़ा लेट हो गया था आज वीडियो बनाने के लिए, बट कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमें पैसेंजर एयरबैग्स वगैरह की बैजिंग मिल जाती है, और ये मेरे को समझ नहीं आ रहा इन्होंने क्यों दिया है भाई, मतलब इसका कुछ काम ही नहीं है तो क्यों दिया ये बटन, यहाँ तो सनरूफ के लिए है, चलो सनरूफ बंद कर दो बार करो तो पूरा क्लोज हो जाएगा सारी चीज़ें। AC वेंट्स का जो डिज़ाइन है, जैसे यहाँ पे अल्ट्रॉज की बैजिंग है तो वो काफ़ी प्रीमियम लग रही है, और यहाँ पे अगर देखो आप ध्यान से तो कार्बन फाइबर जैसी फिनिश है, और ये सॉफ्ट टच नहीं है बट ये सॉफ्ट टच लग रहा है भाई, बहुत प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें ट्विटर मिल जाते हैं, और वहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा अगर दूर से दिखे तो, वो रहा एक ट्विटर का। वैसे मतलब इनका जो कैटलॉग होता है उसमें इन्होंने अलग से मेंशन नहीं किया कि इन्हें ट्विटर देने हैं या नहीं देने, बट कोई बात नहीं, 6 एयरबैग आते हैं गाड़ी के अंदर जैसे हमने बोला। और बाकी यहाँ पे छोटे मोटे फीचर्स, जैसे कि हम AC वगैरह की बात करें तो यहाँ से हम इन्हें एडजस्ट कर सकते हैं, बहुत सही है। 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है यहाँ पे, बाकी 5 वोल्ट के अगर हमें डाटा केबल से कुछ चार्ज करना है या फिर कुछ भी करना है तो वो मिल जाती है। मोबाइल चार्जिंग के लिए हमें वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है भाई, जो कि बहुत ही बढ़िया फीचर है इसका। मतलब इस छोटी सी गाड़ी से कोई सोच भी नहीं सकता, उम्मीद भी नहीं कर सकता कि इस गाड़ी के अंदर इतने बेहतरीन फीचर्स होंगे। और अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट ऑन कर लेते हैं एक बार, मैं लाइट आपको भी दिखा देता हूँ, क्योंकि कई बार मैं क्या होता है कि मैं लाइट दिखाता नहीं हूँ, तो ये अभी हमारी नॉर्मल लाइट्स हैं अगर हम बात करें लाइट्स की तो, ठीक है। ये 360 कैमरा जो है मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर ही आता है, जितना वही क्वालिटी लग रही है मेरे को, कोई चेंज नहीं लग रहा है इसमें कि जैसे नेक्सॉन वगैरह में, ना नेक्सॉन का इससे ज़्यादा अच्छा है ना कर्व का इससे ज़्यादा अच्छा है, मतलब सेम है, सेम क्वालिटी ऑफ कैमरा मिल जाता है हमें। अगर हम बात करें, अभी देखो शाम हो रखी है बट इसमें क्वालिटी काफ़ी ब्राइट दिख रही है अगर हम बात करें इन कंपैरिजन। इसके अंदर मूड लाइटिंग भी हमें मिल जाती है, जैसे कि अगर हम बात करें देखो यहाँ पे मूड लाइटिंग है जो कि मेरा मिस हो गया था। और शूज़ पे भी अगर आपको देख रहे हो तो यहाँ पे भी आपको दोनों साइड में लाइट्स मिल जाती हैं, बट यहाँ पे आपको ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिखता आगे पीछे, तो यहीं मिलती है क्योंकि अंधेरा था इसीलिए मैंने नोटिस किया और मैंने साथ के साथ ये पॉइंट भी कवर कर दिया। तो थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप कि आपको मज़ा आया हो, और एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कॉमेंट कर देना।